हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से अपनी क्लास हेमंत सर स्टडी सर्कल में। ठीक है, तो एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, एक जो है क्लास हम पहले ले चुके हैं, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रतिवर्ती चाप पर तंत्रिका कोशिका पर चर्चा की थी। ठीक है, तो कक्षा 10वीं का ये जो हमारा अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय, इस पे हम और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दो चित्र दिख रहे होंगे आपको, ये है हमारा मानव मस्तिष्क का चित्र और ये है मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है, सभी जानते हैं। कहाँ स्थित होता है? हमारी खोपड़ी में स्थित होता है। ठीक है, स्कल में। वजन कितना होता है इसका? लगभग 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम्स, या फिर पौंड में बात करें तो 3 पौंड जो है इसका वजन होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? खोपड़ी में। वजन लगभग 1400 ग्राम या 3 पौंड। ठीक, अब हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है, इसके प्रकार, मानव मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार का है। इसमें सबसे पहले है आपका कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है किन किन चीजों से मिलके बना है, क्या लिखेंगे हम इसमें अग्र मस्तिष्क में? तो पहली बात तो ये है कि अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग कितना है? पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग है। टोटल 3 भाग हैं, 3 में से लगभग इसकी साइज जो है कितनी है? इतनी। ठीक है, ये कितना है, क्या है हमारा? अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, 2/3 भाग होता है लगभग ये पूरे मस्तिष्क का। अब इस मस्तिष्क में दो महत्वपूर्ण जो है संरचनाएं होती हैं। ठीक है, पहली संरचना हो जाएगी प्रमस्तिष्क। क्या है प्रमस्तिष्क? ये संरचना है ऊपर की। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है सबसे ऊपर के आगे की संरचना है, और इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये जो प्रमस्तिष्क है, यह सोचने एवं सूंघने, ये दो जो क्रियाएं होती हैं, इनका कार्य करता है। कौन कौन सी क्रियाओं का? सोचना और सूंघना, ये दो क्रियाएं जो है यहाँ आपके प्रमस्तिष्क से जो है संपन्न की जाती हैं। ठीक, दूसरा भाग क्या है अपना? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दरअसल हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से, इस हाइपोथैलेमस में क्या स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो यही बात हम इसमें लिख देंगे कि इसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड हमारे शरीर में होती है, और ये पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, और शरीर में कई सारी जो संरचनाएं होती हैं या कई सारी क्रियाएं होती हैं, वो इस पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है संपन्न की जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन काय पे। दूसरा जो हमारा भाग है वो क्या है? दूसरा भाग है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ज्यादा कुछ संरचनाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन हम इसमें ये लिख सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क हमारे मध्य मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, और ये किस किस को जोड़ता है? अग्र मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है, या फिर अग्र और पश्च दोनों को भी क्या करता है? मध्य मस्तिष्क ज्वाइंट करता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं जो है इसमें होती हैं, एक तो होती है दृष्टि से संबंधित और दूसरी होती है श्रवण से संबंधित, मतलब देखने एवं सुनने की जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न कौन कराता है? हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, क्लियर। तीसरा जो हमारा मस्तिष्क है वो है हमारा पश्च मस्तिष्क।
पश्चिम मस्तिष्क का कार्य क्या है? पहली बात तो यह है कि पश्चिम मस्तिष्क जो है वो मध्य मस्तिष्क को जोड़ता है। पहली बात, सबसे पीछे का भाग है ये वाला, हमारा सबसे पीछे वाला भाग है, और ये कैसी संरचना है? ठोस एवं कठोर संरचना है। और इसमें भी दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली कौन सी? ये वाली अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का जो अंग विन्यास है, शरीर का अंग विन्यास इसको बनाता है पहले तो, और साथ साथ में जो नियंत्रण होता है हमारा शरीर पर, तो ये नियंत्रण का कार्य भी करता है हमारा अनुमस्तिष्क, ठीक है। और तीसरी जो बात है, अच्छा ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि चोट लग जाती है तो बहुत सारी जो है स्मृति, है ना, स्मृति शब्द मतलब मेमोरी, जो हमारे पिछली जीवन में हुई घटनाएं हैं वो सभी जो है इसमें स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। तो अगला जो भाग है वो क्या है इसका? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा? मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और ये निर्माण करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो कि ये जो है ये मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु को यह क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। मस्तिष्क रज्जु भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है क्या हो गया हमारा मस्तिष्क। इतनी सारी जो है संरचनाएं हैं इसमें। अग्र मस्तिष्क 2/3 भाग, जिसमें प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क अग्र को पश्च से जोड़ता है। दृष्टि और श्रवण मतलब देखने और सुनने की क्रियाएं इसमें होती हैं संपन्न। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लांगेटा से बना होता है। अंग विन्यास नियंत्रण करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है या बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि मस्तिष्क में जितनी ज़्यादा ये जो सिलाई पाई जा रही हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक संरचनाएं, जितनी ज़्यादा ये सिलाई पाई जाती हैं उतनी ही ज़्यादा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जितनी ज़्यादा मस्तिष्क में सिलाई या दरारें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है। फिर ये जो संरचना दिख रही है बाजू में हमारी, बस ये चित्र के रूप में ध्यान रखें कि ये क्या है, हमारी मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट है। मेरु रज्जु जो हमारे मस्तिष्क का या हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है आपका? मेरु रज्जु, ये उसकी अनुप्रस्थ काट है, जिसमें पीए मैटर है, श्वेत द्रव्य है, दूसर द्रव्य है, अधर विदर है, पार्श्वशंकु है, केंद्रीय नाल है। बस चित्र के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे? मस्तिष्क के कार्य, ठीक है, मस्तिष्क के कार्य। तो 4 नंबर का प्रश्न आना है इससे, या 5 का आना है, तो कम से कम 4 या 5 जो है इसके क्या करें अपन, ध्यान रख लें कार्य। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। पहली बात, शरीर में जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होंगी, है ना, उन पर ये क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। दूसरा हो गया आपका भूख, प्यास, क्रोध, है ना, इन सभी क्रियाओं का भी ये नियंत्रण करेगा। फिर अगली बात जो है आपकी श्वास, हृदय, आहार नाल, इनसे संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन पर भी ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। नियंत्रण समन्वय अध्याय है,
तो ये शब्द तो बार बार आएंगे। ठीक, चौथी जो बात है संभोग। सोचना, देखना, अभी अभी अपन ने देखा था कि प्रमस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, सूंघने एवं सोचने की क्रिया का जो है संचालन करता है, तो इस पर भी हमारा मस्तिष्क नियंत्रण करता है। फिर सभी अंगों की कार्यविधि का नियमन और नियंत्रण करेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि शरीर में सभी ग्रंथियों पर भी क्या करता है, ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, जिससे शरीर की सभी क्रियाएं क्या हो, सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का एक सीपीयू है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मस्तिष्क जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू, वैसे ही हमारे शरीर का मस्तिष्क, शरीर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या है, मस्तिष्क है। शरीर में जितनी भी ऐच्छिक इच्छा के अनुसार कार्य क्रियाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करता है। भूख लगना, क्रोध, प्यास लगना, क्रोध का आना, क्रोध स्वरूप किसी भी चीज़ को देखकर क्रोध आना, ये भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, इसको भी नियंत्रित मस्तिष्क करेगा। सांस लेना, हृदय से जो है परिवहन होना रक्त का, आहार नाल मतलब भोजन का, ये भी क्रियाएं नियंत्रित करेगा। संभोग मतलब जो है आपके शरीर में होने वाली क्रियाएं, सोचना, देखना, इन सब पर भी नियंत्रण करेगा मस्तिष्क। सभी अंगों की कार्यविधि का नियमन करेगा कि सभी अंग सही तरीके से कार्यरत हैं अथवा नहीं है। ठीक है, और सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करेगा कि किस ग्रंथि से कितना हार्मोन स्रावित होना है और वो सही तरीके से स्रावित हो रहा है अथवा नहीं। तो ये सभी क्रियाएं कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी पुस्तक में भी है कि कुछ क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं कौन सी हैं, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना, इन दोनों में ये कह रहे हैं कि अंतर बताइए। ठीक है, तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर ये हो जाएगा कि ये क्रिया कहाँ से संचालित होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये क्रिया किसके द्वारा संचालित होती है या नियंत्रित होती है, ये होती है आपके मस्तिष्क के एक भाग अनु मस्तिष्क से, मतलब पश्च मस्तिष्क में जो स्थित है संरचना अनु मस्तिष्क है और मेडुला ओब्लॉन्गेटा है, तो वहां पर अनु मस्तिष्क क्या करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। जबकि यहाँ पर मेरु रज्जु द्वारा हो रही थी नियंत्रित कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कैसी क्रिया है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, जबकि ये कैसी है, एक ऐच्छिक क्रिया है, मतलब इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है टहलने को। इफ यू वॉन्ट टू वॉक so you can control with your mind। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अनैच्छिक क्रिया जो है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तीसरा समय की बात करें तो इस क्रिया के
संपन्न होने में समय नहीं लगता। मतलब जैसे ही सुई चुभेगी तो तुरंत ही ये क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। जबकि इस क्रिया में क्या होता है, समय लगता है। कैसे, पेशियां क्या करेंगी, पेशी जो है उद्दीपन ग्रहण करेगी, ठीक है। पेशी जैसे उद्दीपन ग्रहण करेगी तो वो कहाँ भेजेगी, तंत्रिका कोशिका को, ठीक है। तंत्रिका कोशिका इसको क्या करेंगी, मेरुरज्जु तक भेजेंगी, मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक भेजेंगी। मस्तिष्क इस पर क्या करेगा, विचार करेगा, और विचार के पश्चात जो है इस पर क्या देगा, आदेश स्वरूप अनुक्रिया करने की क्रिया करेगा, तब जाके ये क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि मस्तिष्क में ये जो दो क्रियाएं होती हैं इनके होने में समय लगता है, जो आपकी टहलने की क्रिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है आपका, कौन सा अंतर, इसमें भी पूछते हैं अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। तो पहली बात तो यही हो गई कि अनैच्छिक क्रियाएं जो है कहाँ संपन्न होती हैं, तो ये जो है पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लांगेटा द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। जबकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये आपकी मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिर बात की जाए तो ये कैसी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, स्वयं ही हो जाती हैं। जबकि ये क्रियाएं किसी उद्दीपन के पश्चात ही संपन्न होती हैं। जब तक कोई उद्दीपन नहीं होगा शरीर में, किसी प्रकार की घटना नहीं होगी, तब तक प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। जैसे श्वास लेना, ठीक है, हृदय स्पंदन, ये क्या है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जबकि प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जैसे ही आप सूर्य प्रकाश की में जाओगे तो क्या होंगी आपकी आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, एक ये क्रिया हो गई। या फिर आप लिख सकते हो यहां पर कि सुई के चुभने पर हाथ को हटा लेना, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट इसमें लिख सकते हो। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इस पे जो है हमारा नियंत्रण नहीं होता, मतलब हमारे सोचने से ये क्रिया नियंत्रित नहीं होती, हमारे सोचने से क्रिया
नियंत्रित नहीं होती, जबकि इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये क्रियाएं क्या होती हैं, बाहरी उद्दीपन के बाद ही ये क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें बाहरी उद्दीपन या बाहरी वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये हो गई आपकी अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। पश्चमस्तिष्क ये कहाँ होती है, पश्चमस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा द्वारा नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल की जाती है, जबकि ये हमारी मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। अपन ने देखा था कि बाहरी वातावरण से किसी भी घटना को ये कहाँ, तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए मेरुरज्जु तक भेजेंगे, मेरुरज्जु उसको जो है प्रोसेस करके, अंडरस्टैंड करके, समझ के और विचार करके उसको पुनः क्या कर देती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए शरीर में उस पेशी तक भेज देती हैं जहाँ पर ये क्रिया हुई है। जैसे सुई का चुभना, तो सुई चुभी, तो सुई चुभी तो पेशियों ने यहाँ पर उद्दीपन दिया, तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए ये बात कहाँ गई, मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु ने इसको समझा कि भाई सुई चुभी है तो इसको क्या करना चाहिए, वहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। ठीक है, या फिर जैसे ही हम प्रकाश में पहुँचे तो प्रकाश में देखा कि बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश है, आँखों को नुकसान हो सकता है, इस कारण से आँखों के पास स्थित जो हमारी पुतलियाँ थीं उन्होंने उद्दीपन दिया, मेरुरज्जु तक ये बात की गई, वहाँ से आदेश आया या फिर जो है उद्दीपन के पश्चात विचार करके आदेश आया कि वहाँ जो है हमें क्या करनी चाहिए, आँखों को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरुरज्जु द्वारा ये क्रिया कंट्रोल होती है। ये स्वतः मतलब स्वयं ही होने वाली, सेल्फ होने वाली क्रियाएँ हैं, हम चाहे भी तो हृदय की गति को नहीं रोक सकते, ना ही सांस लेने को रोक सकते हैं, जबकि ये क्रियाएं किसी उद्दीपन के पश्चात ही संपन्न होती हैं, स्वयं नहीं होती, इसलिए इनको जो है हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सांस लेना हृदय का स्पंदन, जबकि आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना प्रकाश में, और सुई के चुभने पर हाथ का हटा लेना, ये इसके उदाहरण हो गए। हमारे सोचने से ये क्रिया नियंत्रित नहीं होती, अगर हम चाहें भी तो भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि ये क्रिया बाहरी उद्दीपन के पश्चात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मस्तिष्क द्वारा उस क्रिया को समझना। इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य जो है आपको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में बता दूं कि मान लो अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क कार्यरत नहीं है, या उसका मेरुरज्जु या मस्तिष्क के भाग सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे, तो होता क्या है, जैसे कोमा वाला पेशेंट होता है, तो कोमा में जब पेशेंट होता है तो वो किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करता, सुई चुभने पर या किसी प्रकार की बात को सुनने पर, सूंघने पर, है ना, किसी लोगों के बात करने पर भी उसको जो है इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसकी पेशियाँ, उसका तंत्रिका तंत्र उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति का कर रहा होता है। इसी कारण से जब कोई भी बात वहाँ पर बोली जाती है या किसी बात का जिक्र किया जाता है, तो अपन बोलते हैं कि पुरानी बातें याद करवा दो, तो हो सकता है कि उसको क्या आ जाए, अपनी पुराना जीवन याद आ जाए, होता है ऐसा कई बार। तो ऐसा कब होता है, जब पुरानी बात उसके मस्तिष्क में क्या होती है, हमने अभी बताया था कि मेमोरी हमारी स्मृति पश्चमस्तिष्क में होती है, तो जैसे ही उस मस्तिष्क में पुरानी बात जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्लिक हो जाएगी, और उसको वो क्या करेगा, सोचना प्रारंभ करेगा मस्तिष्क। मस्तिष्क सोचना प्रारंभ करेगा मतलब मस्तिष्क ने क्या करना शुरू कर दिया, वर्क करना शुरू कर दिया। मस्तिष्क का कार्य करना ही तो क्या है, शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएँ हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चंस। इसके बाद जो है अपन पहुंचेंगे हार्मोन पर। पादपों में पाए जाते हैं हार्मोन, जंतुओं में पाए जाते हैं हार्मोन। ठीक है, हार्मोन दरअसल क्या है, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, शरीर की क्रियाविधि को कंट्रोल करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को कंट्रोल करते हैं, विभिन्न अंगों द्वारा होने वाली क्रियाओं को भी कंट्रोल करते हैं। हमारे पौधों में भी पाए जाते हैं हार्मोन, जो पौधों की वृद्धि भी करते हैं, कुछ वृद्धि रोधक हार्मोन भी होते हैं, है ना, जैसे एक हार्मोन होता है फलों को पकाने वाला। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हार्मोन होते हैं, है ना, जनन हार्मोन भी होते हैं, थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन भी होते हैं, है ना,
उत्तेजक हार्मोन भी होते हैं, अचानक होने वाली इमरजेंसी हार्मोन भी होता है, प्रतिमूत्रक हार्मोन भी होता है, तो कई सारे हार्मोन होते हैं, कई सारे हार्मोन जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, कई क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे अपन डिटेल से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल हेमंत सागर स्टडी सर्कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।